गाइस सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइड विजिट। मैं सोनिका आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और बेहतरीन वीडियो। सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दोबारा ना भूलें। सो गाइस आज मैं आपको लेके आई हूँ ओमैक्स फेस 3 कासिया में। सो हाल ही में लोकेशन की बात करूँ तो ये नियर बाई चंडीगढ़ की है और PU PGI इसमें हार्डली 10 मिनट्स का डिस्टेंस रहेगा। इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो यहाँ प्रॉपर पार्क मेंटेन किए गए हैं, 24 आवर सिक्योरिटी, पावर बैकअप। गैदरिंग की बात करूं तो प्रॉपर फैमिलीज यहाँ रह रही हैं। सो मैं इस एलिवेशन की बात करूं तो G+2 का कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर इस पार्किंग की बात करें तो काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, आप अपनी गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं। साथ ही इस रोड की बात करें तो ये 40 फीट वाइड रोड है। सो जो मैं आपको फ्लैट दिखाने जा रही हूँ वो उसका एरिया 1725 स्क्वायर फीट का रहेगा। 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम। आइए चलते हैं हमारे फ्लैट की तरफ। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम अपने फ्लैट की तरफ। सो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे सर्वेंट रूम। तो पहुंच गए अपने सर्वेंट रूम, अटैच वॉशरूम। सो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेस है इसमें। डोर की बात करूं तो ये 8.5 फीट की डोर है। सो चलते हैं हमारे मेन एंट्रेंस में। सो गाइस आ चुके हैं हम अपने फ्लैट के अंदर। आते ही मैं आपको बताऊं तो यहाँ लिविंग कम डाइनिंग एरिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। लिविंग एरिया की बात करें तो यहाँ पे आप 6 to 7 सीटर सोफ़ा आसानी से अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं डाइनिंग एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे आप 8 to 12 सीटर डाइनिंग एरिया अरेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके ऑपोजिट साइड हमारा मॉडुलर किचन आएगा। सो चलते हैं। सो गाइस अपने मॉडुलर किचन की बात करें तो मेरे दोनों तरफ कैबिनेट प्रोवाइड किए गए हैं। आप देखेंगे मेरे दोनों तरफ स्लैब्स हैं, चिमनी और हॉब मिल जाएगी आपको। साथ ही सिंक प्रोवाइड करवाया गया है। अगर आप स्पेस की बात करें तो आपको यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की स्पेस दी गई है। अगर मैं बात करूँ वेंटिलेशन की, यहाँ पे बहुत ही अच्छा डोर दे रखा है और साथ ही आपको बालकनी मिलेगी, काफ़ी अच्छा व्यू रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो बालकनी है ये बेडरूम के साथ अटैच रहेगी। तो ये था हमारा किचन, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ले चलते हैं आपको फर्स्ट बेडरूम की तरफ। बेडरूम में जाने से पहले अगर इस स्पेस की बात करें तो यहाँ आप अपना कबर्ड यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही इस वॉशरूम की बात करें तो ये कॉमन वॉशरूम रहेगा लेकिन आपके बेडरूम के साथ अटैच रहेगा। तो आइए चलते हैं हमने रूम की तरफ। सो गाइस हम बात करें अपने फर्स्ट बेडरूम की तो आप देख सकते हैं इसका साइज 12x11 का साइज है। अगर आप देखें आपको कबर्ड अटैच मिलेगी, साथ ही में आपको इसके बैग में अटैच वॉशरूम मिलेगा। सो गाइस आप बात करें स्पेस की तो यहाँ अपनी LED इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही आप इस विंडो को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन है और इसकी लाइटनिंग काफ़ी अच्छी है। इस डोर की बात करें तो आपको अटैच बालकनी मिलेगी। सो काफ़ी अच्छा व्यू है। सो गाइस इस बालकनी की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है। ये आपको लिविंग एरिया के साथ भी अटैच मिलेगी। सो गाइस ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। सो चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। पहुंच चुके हैं अपने सेकंड बेडरूम में। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। 12 इसका साइज 12x12 का है। आप देख सकते हैं अटैच वॉशरूम इसके साथ है। साथ ही आप देख सकते हैं अटैच बालकनी इसके साथ है। जो बालकनी है वो आपके मास्टर बेडरूम के साथ भी अटैच है। तो चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। सो गाइस ये था हमारा सेकंड बेडरूम। चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम जो कि है मास्टर बेडरूम। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने मास्टर बेडरूम में। अगर आप इसके साइज की बात करें तो ये 13x14 का साइज रहेगा। साथ ही आपको वुडन टच वर्क मिलेगा इसमें। सो गाइस विंडो की बात करें तो आपको काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन लाइटनिंग मिलेगी। साथ ही ये डोर आपके अटैच बालकनी है। अगर आप बात करें आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा।
आज का हमारा 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम। आप आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।